गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर दौरे पर हैं। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी नेताओं ने शेखावत का जोरदार स्वागत किया। शेखावत बेटरी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि एवं पशु विज्ञान मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो और 5 साल में देश नए रूप में विकसित हो, इस दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शेखावत ने कहा कि राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर किसानों को भड़काया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कमेटी का गठन किया है जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की सी मीडिया संवाददाता संजय पारिक ने। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बीकानेर पहुंचे हैं। शेखावत साहब, कृषि को लेकर आप काफी सक्रिय है, दक्षिण अफ्रीका तक आपके पीछे जुड़े हुए हैं। राजस्थान प्रदेश के किसान है वो किस तरह के नवाचारों की उम्मीद है वो करें? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ये संकल्प किया है कि हम 5 साल में किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, और ठीक वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प किया है जब देश को 5 साल में एक नए देश में एक नए कलेवर में विकसित रूप में जो है लाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि देश में देश को नए रूप में खड़ा करना, उसका मार्ग यदि कहीं से जाता है तो किसान के घर से जाता है, क्योंकि 65% आबादी आज भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। प्रधानमंत्री जी ने जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की बात की, उसके लिए पिछले 3 साल में 7 सूत्रीय ऐसी योजनाएं बनी है जिसमें किसान की आमदनी को बढ़ा, किसान के लागत मूल्य को कम करना, उत्पादकता को बढ़ाना और उसके लिए आय के स्रोतों में इजाफा करना, इन 3 चरण पे 3 डायरेक्शंस पे काम हो रहा है। लेकिन प्रदेश में लगातार किसान आंदोलन हो रहे हैं, जमीन सत्याग्रह तक हो रहा है, क्या करनी और कथनी में अंतर है? देखिए, जमीन सत्याग्रह जो है वो जयपुर के से जुड़ा हुआ विषय है, उसके बारे में मुझे कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है क्योंकि वो विषय रेवेन्यू लैंड से जुड़ा हुआ है, न कि कृषि से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक किसान आंदोलन का विषय है, राजस्थान में भी कुछ राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर किसानों को भड़का करके इस तरह के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया गया था, लेकिन राजस्थान की सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता हुई है उस वार्ता के अनुरूप किसान आंदोलन वापस लिया गया है। किसानों की जो मुख्य मांगे थी कि कृषि ऋण को माफ करने की, उसके ऊपर एक कमेटी गठित करने की बात हुई है जो 1 महीने में रिपोर्ट देगी और उस दिशा में काम करेंगे। राजस्थान के किसानों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह का संवाद है वो स्थापित करने की वो कोशिश की जाएगी। मैंने अभी एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ माध्यम से देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ में एक संवाद कायम करने का काम प्रारंभ किया है और आने वाले समय में उसकी बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों के सामने। एक अंतिम सवाल, यशवंत सिन्हा जो लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि वो अपने आप में काफी है। ये थे मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना था कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में है वो उल्लेखनीय कार्य केंद्र सरकार के नेतृत्व में वो किए जाएंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ संजय पारिक, जी मीडिया, बीकानेर।